पूरे पौधे के ऊपर कम से कम अगर कैलकुलेशन करें तो 70-80-100 कलियां तो अभी फिलहाल की कंडीशन में है। अगस्त के महीने करीबन ये मान के चलिए आप 20 अगस्त से 30 अगस्त तक हम इसके ऊपर टॉप कटिंग लगाएंगे। तीन इस साइड में है, तीन उस साइड में है, और जो 8-5 का डिस्टेंस है उस पर हमने 4-4 गांठें रखी है। तो को हमने बीच में दो बेड के बीच में, दो लाइन के बीच में जो गहरी नाली है उस नाली में ट्रांसप्लांट कर दिया है। मैं अभी हम खीरा लगाने वाले हैं। किसान भैया राम राम, मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूं। किसान भैया, आज हम हमारे 8 एकड़ के फार्म पर ही खड़े हैं। यहां पर हमारे 8 एकड़ के फार्म पर कटिंग का काम पिछले 5-6 दिनों से चल रहा है, तो कुछ कारणवश हम स्टार्टिंग में वीडियो नहीं बना सके। किसान भैया, आप हमारे यहाँ देख रहे हैं ये VNR का प्लांट है। अभी हमने इसके ऊपर जो कटिंग लगाई है आप देख सकते हो, ये यहाँ से हमने कटिंग लगाई है, और जो ये फुटान आपको दिख रहा है किसान भाइयों, यह बगैर कटिंग से फुटान आया हुआ है। आप देख सकते हो बहुत ज़ोरदार कलियाँ भी आई थी, फ्लावरिंग स्टेज कुछ कुछ जगह चलने लग गई है, ऐसी बहुत सारी अभी कलियाँ भी है। पूरे पौधे के ऊपर कम से कम अगर कैलकुलेशन करें तो 70-80-100 कलियाँ तो अभी फिलहाल की कंडीशन में है। और किसान भाइयों, हमने जो मई के महीने हार्वेस्टिंग की थी, बहुत सारे वीडियोस हमने चैनल के ऊपर डाले भी हुए हैं, जो कारणवश हम मई में हमारा माल हार्वेस्टिंग पर आया था उसकी वजह से हमें जो अक्टूबर की तैयारी करनी थी वो हम कर नहीं पाए थे। तो अभी आज समझ लो 8 तारीख है जुलाई की, अभी हमारा कटिंग का काम लगभग आधा हो गया है, आधा अभी होने वाला है, जो 15 जुलाई तक लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये जो आपको अभी कलियां दिख रही है, फ्लावरिंग दिख रही है, ये माल दिसंबर के महीने में हार्वेस्टिंग पर रहेगा। अधिकतर दिसंबर जनवरी में रेट कम रहते हैं, पर कारणवश हम सही से इसे मैनेज नहीं कर पाए थे। हमें पता था कि भाई अगर हम इसे कटिंग नहीं लगा पाएंगे तो माल नवंबर दिसंबर में ही आएगा। आप ये जो अभी फ़िलहाल में माल रेडी हो रहा है, ये मार्केट में जो भी बिकेगा इसको अभी हम ले रहे हैं। ये इसके बाद में जो अभी हमने कटिंग लगाई है, ये कटिंग वाला माल हमारा 15 जनवरी से स्टार्ट होगा, और 15 जनवरी से लगाकर जनवरी फरवरी मार्च तक बढ़िया रेट भी रहते हैं, मौसम भी हमारे अनुकूल रहता है, ठंडा मौसम रहता है, बढ़िया से अपन फल हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, मंडी पहुंचाने में भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती। किसान भाइयों, अभी जो आप ये कल्ले हमारे यहाँ देख रहे हो, जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो इसके ऊपर 4 कलियाँ है जिसमें से फ्लावरिंग भी चल रही है। अभी हम अगस्त के महीने करीबन ये मान के चलिए आप 20 अगस्त से 30 अगस्त तक हम इसके ऊपर टॉप कटिंग लगाएंगे। किसान भाइयों, अभी हमारा पौधा दो भागों में कन्वर्ट हो गया है। ये जो कल्ले है जिस पर अभी कलियां है, ये माल नवंबर दिसंबर में हार्वेस्टिंग पर रहेगा। जो अभी हमने कटिंग लगाई है यह जनवरी में हार्वेस्टिंग पर रहेगा। जो इसके ऊपर अभी हम टॉप कटिंग लगाने वाले हैं 20 अगस्त से 30 अगस्त तक, वो माल हमारा फरवरी मार्च के लिए रेडी हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इस तरह से अभी ये नवंबर महीने से लगाकर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक कंटिन्यू हार्वेस्टिंग पर रहेगा। तो एक साथ में क्या है कि पौधे के ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं रहेगा, बढ़िया से मौसम भी अनुकूल रहेगा, बहुत अच्छे से फल निकलेंगे, और जो भी प्रोसेस रहेगी वीडियो के माध्यम से हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। और दूसरी बात किसान भाइयों, आप हमारे यहाँ देख सकते हो हमने जो अदरक का ट्रांसप्लांट किया था, अभी आप हमारे यहाँ देख सकते हो ये अदरक इस तरह से फुटान करके आ गया है। किसान भाइयों, ये हमारा VNR का फार्म है, इसके ऊपर जो स्टार्टिंग में हमने शुरुआत की थी 10-7 का डिस्टेंस था, प्लांट से प्लांट 7 फीट था, तो इसमें हमने 6 गांठें रखी है, 3 इस साइड में है 3 उस साइड में है, और जो 8-5 का डिस्टेंस है उस पर हमने 4-4 गांठें रखी है। तो किसान भाइयों, हमने जो अगले सितंबर में अदरक की हार्वेस्टिंग की थी, निकालने के बाद हमने लगाया नहीं था, जो शेष बच गया था वह बहुत बढ़िया तरीके से हमारे फार्म पे डेवलप हुआ। फिर अभी हमने उसे क्या किया, निकालते गए और खाली जगहों में फिर से ट्रांसप्लांट करते गए। तो किसान भाइयों, पूरे खेत में दो प्लांटों के बीच में ट्रांसप्लांट होने के बाद भी हमारे पास में अदरक बचा था, जिसको हमने बेड के इस साइड में
आप देख सकते हो ये हमारा बाद का ट्रांसप्लांट है, तो यह भी अदरक पूरी लाइन एक इस साइड में लाइन लगी हुई है तो एक उधर की साइड में है। और किसान भाइयों, मैंने आपको हल्दी के बारे में भी बताया था, हमने 1 किलो हल्दी का ट्रांसप्लांट किया था, उसे 2 साल तक हमने खेत से नहीं निकाला था, तो उस 1 किलो हल्दी से हमारे यहाँ टोटल 80 किलो हल्दी का उत्पादन हुआ। आप देख सकते हो ये हल्दी की पूरी लाइन लगी हुई है, उस 80 किलो को हमने बीच में दो बेड के बीच में, दो लाइन के बीच में जो गहरी नाली है उस नाली में ट्रांसप्लांट कर दिया है। आप इसे देख सकते हो किसान भाइयों, इससे इनलाइन जो हमारी इनलाइन है कम से कम 3 फीट दूर है, पर जो हम कचरा डाल रहे हैं, जितना भी बायोमास हमारे पास रहता है, जो हम प्लांटों की कटिंग लगाते हैं, जो पेपर यूज़ करते हैं, वह सब यहीं पे है, और जो भी बाहर से हमें और भी बायोमास मिलता है अगर, तो हम ला ला के हमारे फार्म पर डालते रहते हैं, क्योंकि बायोमास से ही कार्बन बढ़ता है। आप जितना ज़्यादा बायोमास खेत में डालोगे, चाहे गोबर खाद हो, कचरा हो, कोई सी भी फसलों का अवशेष हो, उससे कार्बन परसेंटेज बढ़ता जाता है। आप देख सकते हो तो जो बीच में नाली है उसमें ज़्यादा कचरा इकट्ठा होता है, वहाँ पे ज़्यादा फर्मेंटेशन होता है और कार्बन परसेंटेज ज़्यादा रहता है। अभी आप देख सकते हो ये जो हमारा VNR का पौधा है, ये 6 साल की उम्र का है, इसकी जड़ें अभी जो भोजन ऑब्जर्व करने वाली है, जो पानी ऑब्जर्व करने वाली, वो सब ये मान के चलिए आप नाली में है, यहाँ पर उसे सारी चीज़ें मिल रही है, और उसी में हमने हल्दी का ट्रांसप्लांट किया है, तो हल्दी को भी अलग से पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। और जो बीच में अभी आप देख सकते हो 3 फीट का डिस्टेंस यहाँ पे है, 2.5-3 फीट का डिस्टेंस यहाँ पे है, इसमें से हमारे लेबर भाई जो भी हमारे फार्म का काम है अच्छे से कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो किसान भाइयों, हमने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, आप जहाँ तक हो सके अपने फार्म को बारीकी से देखें, जहाँ पे खाली जगह है आप वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी हम एक काम और करने जा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हो पहले से ही हमारा बागवानी का काम चल रहा है, दो प्लांटों के बीच में अदरक है, बीच की लाइन में अभी हमने हल्दी का ट्रांसप्लांट किया है, और अभी हम इसमें जैसे कटिंग लगाते जा रहे हैं पूरी ज़मीन कचरे से ढक गई है, पूरे खेत की मल्चिंग हो गई है, इसमें अभी हम खीरा लगाने वाले हैं। किसान भाइयों, खीरा का प्रोडक्शन बहुत लपक के आता है, अभी जो भी किसान भाइयों ने गर्मी में, अभी इसके पहले भी जिन किसान भाइयों ने खीरा लगाया उनका खीरा अभी प्रोडक्शन पर है। अब हम ट्रांसप्लांट करने वाले हैं खीरा का। किसान भाइयों, हमारे पास ये 8 एकड़ खेत है, इसमें 4 टुकड़ों में हमने इसे डिवाइड किया हुआ है, हम हर 8 से 10 दिन के अंतराल पर पूरे फार्म के ऊपर खीरा लगाने जा रहे हैं, उससे जो भी प्रोडक्शन आएगा वह भी वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुँचाएँगे। प्रोडक्शन चाहे जो भी आए, पर जो हम खीरा लगाने जा रहे हैं कम से कम ये मान के चलिए 8 एकड़ भैया थे, जो हम 25 से 30 हज़ार का खीरा का बीज लेकर आ रहे हैं, और जो उसे हम खेत पर ट्रांसप्लांट करेंगे तो जो लेबर चार्ज है कुल मिला के अगर 40-50 हज़ार का भी इन्वेस्टमेंट होता है, तो रिटर्न तो जो भी आएगा वीडियो के माध्यम से हम अब तक ज़रूर पहुंचाएंगे, और हमें उस ऊपर वाले पर, माँ प्रकृति पर इतना विश्वास है कि हमारे फार्म से जो भी चीज़ आती है बम्फर उत्पादन के साथ आती है, क्वालिटी के साथ आती है और टेस्ट के साथ आती है। तो किसान भाइयों, वो जो भी आएगा हम वीडियो के माध्यम से अब तक ज़रूर पहुंचाएंगे, पर हम खीरा ट्रांसप्लांट एक सोच के साथ कर रहे हैं कि अगर हम पूरे फार्म पर खीरा लगाते हैं तो खीरा की बेल पूरे खेत पर चलेगी, पूरे खेत में सजीव मल्चिंग होगी। तो किसान भाइयों, हमारा विशेष ध्यान है मल्चिंग के ऊपर, चाहे मल्चिंग सजीव हो या निर्जीव हो, चाहे सूखी चीज़ की हो चाहे हरी चीज़ की हो, पर मल्चिंग खेत पर होना बहुत ही ज़रूरी है। बारिश के दिनों में अगर आप खेत में कचरे की मल्चिंग करके रखते हो या सजीव फसलों की मल्चिंग करके रखते हो, अंतर प्रवाही फसलों की मल्चिंग करके रखते हो, तो जो हमारे जीवाश्म है, जो बैक्टीरिया है, जो मित्र फंगस है हमारी, उनको एक बेहतरीन माहौल मिलता है। और सीधी सी सरल बात है, अगर अच्छे से
बैक्टीरियों को हम सूटेबल माहौल देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में मल्टीप्लाई होते हैं। दूसरी बात किसान भाइयों, जहाँ तक मेरी समझ में आया है, जितने भी 84 करोड़ योनि है सबकी उम्र निर्धारित की हुई है, अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। किसान भाइयों, जीवाश्म आधारित खेती क्यों कहते हैं, जो जीवों का अंश रहता है वही हमारी फसलें ऑब्जर्व करती है। तो हमें सीधी सरल बात पर ध्यान देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीवाश्म हम अपने खेत पर डालें, उनको एक सूटेबल माहौल दे जिससे वो ज़्यादा मल्टीप्लाई हो। किसान भाइयों, जीवाश्म बहुत ही सूक्ष्म जीव रहते हैं, उनकी उम्र की लिमिटेशन भी बहुत कम रहती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आपके खेत पे अगर आप मित्र फंगस को डेवलप करते हो, उनको बढ़िया मल्टीप्लाई होने के लायक माहौल देते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो मल्टीप्लाई होंगे और मरेंगे। मरने के बाद में आप, हमने जो हमारे फार्म पर जो भी फसलें लगाई है उनको एक बेहतरीन भोजन मिलता है जिससे उत्पादन बढ़ता है, और जो हम खेत पर कचरे की मल्चिंग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं उससे कार्बन परसेंटेज बढ़ता जाता है। किसान भाइयों, कार्बन परसेंटेज अगर अच्छे से आपने आपके फार्म पे कर दिया तो उत्पादन को कोई रोकने वाला नहीं है, अनलिमिटेड व्यवस्था है। अभी हम हमारे फार्म पर जो भी दिनचर्या करते जा रहे हैं, कभी कारणवश प्रकृति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हर दिन एक जैसा नहीं आता, आप उससे घबराए नहीं। अगर कारणवश एक फसल कुछ गड़बड़ भी होती है तो दूसरी फसल में उसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है। किसान भाइयों, एक सकारात्मक सोच के साथ प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान दें, ऊपर वाले के सिस्टम पर भरोसा करें, अपने आप पर भरोसा करें। किसान भाइयों, जितने रासायनिक केमिकल कंपनियां है, ऑर्गेनिक कंपनियां है, यह सब एक हमारे को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें भ्रमित नहीं करेंगे तो उनकी दिनचर्या कैसे चलेगी। तो किसान भाइयों, किसी पर भी कुछ भी ध्यान नहीं दे, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत सारा अनुभव है, पर जो ऊपर वाले की कृपा से मुझे मिला है वह रात दिन में वीडियो के माध्यम से आप तक इसलिए पहुँचाता रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है रासायनिक केमिकल के दुष्परिणाम क्या है। जब मैंने मिर्ची की खेती सन 2002 से स्टार्ट की थी तो 2018 तक की है, अनाधुन मैंने रासायनिक केमिकल 2012 तक डाला हुआ है, उसका दुष्परिणाम मैंने खुद ने झेला हुआ है। तो किसान भाइयों, इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता रहता हूँ, आप रासायनिक केमिकल फर्टिलाइज़र जो भी जितनी भी यह कंपनियाँ हैं, कंपनी वाले हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, किसी पर भी कुछ भी एक्शन ना ले, आप ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करें, उसके सिस्टम पर भरोसा करें। आप देखेंगे अगर आपने अच्छे से 100 उसे फॉलो कर लिया तो खर्चा भी बहुत कम आएगा और उत्पादन तो बढ़ना ही बढ़ना है। किसान भाइयों, प्रकृति के अंदर कभी जल्दीबाजी नहीं होती, आप ज़रा धैर्य रख के काम करें और जो आप कर रहे हैं उसमें आपको कुछ भी खर्चा नहीं आ रहा है, इसलिए आप निश्चिंत होकर एक आत्मविश्वास के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ प्राकृतिक खेती को फॉलो करें। किसान भाइयों, और भी हमारे फार्म पर जो हम करते जाएंगे वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते जाएंगे, और इसमें भी अगर आपके पास में कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल है, कुछ भी है, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं, जहाँ तक हो सकेगा अगर हमारे पास में उसका कुछ भी समाधान है ऊपर वाले की कृपा से तो हम उसे आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और किसान भाइयों, आप अगर हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आपको कुछ भी परिवर्तन आ रहा है, या आपके अंदर असीम शांति का अनुभव हो रहा है, या आपके फार्म पे रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप छोटा सा एक 2-3 मिनट का 5 मिनट का वीडियो बनाकर ज़रूर डालें। उससे क्या है कि जो हमारे नए किसान भाई है जो हमसे रात दिन जुड़ते जा रहे हैं, उनको एक मार्गदर्शन मिलेगा, एक उनके अंदर हिम्मत आएगी, विश्वास आएगा। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर फिर से निवेदन करूँगा, आप अगर हमें फॉलो कर रहे हैं, प्रकृति को फॉलो कर रहे हैं, ऊपर वाले को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके यहाँ आप जो भी कर रहे हैं, जिसका जैसा रिजल्ट आ रहा है उसे आप ज़रूर वीडियो के माध्यम से हम तक पहुँचाएं। दूसरी बात, जो आपको रिजल्ट आ रहे हैं वही आप साझा करें, इसमें कुछ भी बड़ा चढ़ा कर बात नहीं करें, क्योंकि किसान भाइयों, हमें केवल प्रकृति से, ऊपर वाले के सिस्टम से किसानों को जोड़ना है, ना कि हमें
बढ़ा चढ़ा के कुछ भी बात करना है। किसान भाइयों, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हमारे फार्म पर जो भी होता है वो एक्यूरेट जो जानकारी रहती है हकीकत ही रहती है। इसमें हम कुछ भी बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करते। हमें कुछ कहीं पर भी यूट्यूब से पैसा कमाने का भूत नहीं भराया हुआ है। हम केवल प्रकृति से किसानों को जुड़ने पर काम कर रहे हैं। किसान भाइयों, सन 2019-20-21 तक मेरी भी कंडीशन बहुत, मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, पर ज़रूरत पड़ने पर कुछ शब्दों का उपयोग करना पड़ता है, तो किसान भाइयों मेरी कंडीशन भी बहुत ही ख़राब थी। पर वहाँ पर भी मेरे अंदर एक अटूट विश्वास था ऊपर वाले के सिस्टम पर, जिससे आज मुझे सफलता हासिल हुई है। तो किसान भाइयों, इस सफलता को हासिल करने के लिए मैंने ऊपर वाले से जो वादे किए हुए थे, मैं उन वादों पर काम कर रहा हूँ। मैंने उसे बहुत बार प्रार्थनाएं की थी, बहुत बार अपने आप से ऊपर वाले से मैंने कमेंट किया था कि अगर मैं सफल होता हूँ तो मैं किसानों के लिए काम करूँगा, माँ प्रकृति के लिए काम करूँगा, और जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति से किसानों को जोड़ने के लिए रात दिन तत्पर रहूँगा। तो किसान भाइयों, मैं केवल उस पर काम कर रहा हूँ। मुझे कभी भी कोई ऐसी आस नहीं है कि मैं चैनल को फेमस करूं, पूरे भारत में मेरा नाम चले, सम्मान मिले, ये मिले, वो मिले, मुझे उस चीज़ की कोई चिंता नहीं है। केवल मैंने जो ऊपर वाले से वादा किया हुआ है मैं उस पर काम कर रहा हूं। तो किसान भाइयों, आप ऊपर वाले के सिस्टम पर, ऊपर वाले पर, अपने आप पर भरोसा करके प्राकृतिक खेती को फॉलो करें। और भी हमारे फार्म पर दिनचर्या चलती रहेगी, हम वीडियो के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। और किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई हमारे फार्म पर आते रहते हैं, मैं आपको भी मेरे यहाँ आमंत्रित करता हूँ। आप आए, देखे, समझे, फिर एक्शन ले। किसान भाइयों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बागवानी करो तो ही प्राकृतिक खेती को फॉलो करो। आप परंपरागत खेती कोई सी भी कर रहे हो, उसमें भी आप प्राकृतिक खेती को फॉलो करके बढ़िया उत्पादन निकाल सकते हो, बेहतर जीवन बना सकते हो, बेहतर ज़मीन बना सकते हो, और आने वाली जनरेशन को आप एक बढ़िया ज़मीन दे के जाओगे, जो जिससे उत्पादन निकाल कर वो खाएंगे, कमाएंगे, और जीवन में सुख शांति सेहत समृद्धि से भरा जीवन जिएंगे। धन्यवाद।